हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर से मैं देखिए एक नया रेसिपी लेके आई हूँ, कच्चा आम का चटनी। एकदम सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कच्चा आम लिया है, यहाँ पे कम से कम आधा किलो आम है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आम है आम का स्किन निकालेंगे, फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इस रेसिपी को। आम को हमने छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है। यहाँ पर हमें चाहिए चीनी, सूखी मिर्च, काजू, किशमिश और चाहिए काला सरसों। बस कुछ ही सामानों से एक अच्छा मतलब बढ़िया रेसिपी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में कम से कम मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल दिया है। तो सबसे पहले हम ये जो सरसों है इसको डाल देंगे तेल में। देखिए सरसों चटकने लगा है। अभी हम देंगे सरसों सूखी मिर्च, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी हम ये जो आम काटे मिर्च का कुछ ऐसे भून लेंगे थोड़ा सा आम को। अभी हम इसके अंदर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मतलब हल्का सा काला रहने के लिए। अभी हमने गैस का फ्लेम एकदम मीडियम टू लो में रख देंगे और इसका लीड लगा के कम से कम 5 मिनट तक रख देंगे। एक से 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट तक ही रखा था इसको ढक कर ढक के, फिर इसमें गलने लगा है। अभी हम इसके अंदर दे देंगे चीनी। चीनी कम से कम मैंने यहाँ पे 100 ग्राम यूज़ किया है। मीठा चाटनी बना रहे तो इसमें चीनी ज़रूरत है। और ये जो रेसिपी है बहुत ही झटपट मतलब जल्दी बन जाता है। अभी हम इसमें देंगे टेस्ट के अनुसार नमक और यहाँ पे जो हमने काजू किशमिश लिया था खारे इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी यूज़ कर रही हूँ, देखिए 1/2 कप से भी कम है। और जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग इसको बना के मतलब कम से कम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। जैसे पराठा के साथ भी बहुत अच्छा लगता है इसको खाने में। तो अभी हम गैस का सिम बिल्कुल कम रखा है और इसको ढक दिया है। मैं इस तरह जैसे लीड लगा के कम से कम 5 मिनट तक इसको रख देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गया है, आम का जो चटनी है बिल्कुल रेडी हो गया है। सारे आम पक गए हैं बिल्कुल। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और आप लोगों को सर्व करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए आम का चटनी बिल्कुल रेडी हो गया है। आप लोगों ने देखा ये मतलब कितना आसान है और कितना मतलब जल्दी बन जाता है एकदम कम समय पे। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को रेसिपी वीडियो जैसे अच्छा लगा है तो एक लाइक कॉमेंट ज़रूर कर देना और अच्छा लगा तो शेयर कर देना। जो भी मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।